एक तरफ जहाँ बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ बढ़ता जा रहा है और बजट बिगड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फिरोजाबाद नगर निगम ने पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक मुहिम शुरू की है। जी हाँ, नगर निगम द्वारा पुरानी किताबों को लाइब्रेरी में रखा गया है, जिन्हें मुफ्त में बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। ये किताबें प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर 9th और इंटर तक की तैयारी के लिए किताबें रखी गई हैं, जिन्हें कोई भी आकर के फ्री में पढ़ने के लिए ले जा सकता है और बाद में वापस कर सकता है। हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही एक बुक बैंक की स्थापना की थी, जिसका वर्तमान में नाम चेंज करके 3R सेंटर रख दिया, RR सेंटर, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल कर दिया गया हमने उसका नाम। तो उसके अंतर्गत जो भी पुरानी किताब्स हैं, हमें आम जनता ने सहयोग करके यहाँ दान दी हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। वो जिनके पास सुविधाओं का अभाव है या वो नए बुक्स क्रय करने में अक्षम है, तो ऐसे लोग यहाँ आए, संपर्क करें। यहाँ काफ़ी तरह की कॉम्पिटेंसी की बुक्स हैं, क्लास की बुक्स हैं, वो आए और उसको यहाँ ले। मात्र 10% जो किराया है इस बात का, सिक्योरिटी मनी कहते हैं उसको। आप अपना आधार कार्ड लेके आइए, 10% जमा कीजिए जो बुक का रेट होगा। जब आप बुक्स जमा करने आएंगे तो ये 10 राशि आपको वापस कर दी जाएगी। तो हाँ, मुफ्त सुविधा है एक तरह से ये। 10 तो सिक्योरिटी मनी है, 10% जो उसका किताब का है वो आपको वापस मिल जाएगी किताब जमा करने पर। तो मैं शहर वाले से अपील करूँगा, आए और योजना का लाभ उठाएं। किस तरह की किताबें सर यहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन से क्लास तक के बच्चे उनको ले सकते हैं? ये क्लास से कॉम्पिटिशन की है, हाई स्कूल इंटर की भी हैं, जिनके कोर्स से संबंधित है वो कोर्स से संबंधित है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि नेट तक की कुछ किताबें हमने यहाँ उपलब्ध कराई है। तो जो जिसके मन से एक बार आके इसका दौरा करें, हमारे स्वास्थ्य राय पर स्थित है, हमारे ऑफिस का रैन बसेरा है, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, तो वहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो बेचारे अक्षम लोग हैं उनके लिए एक नेकी की दीवार और हमने मोनार्क होटल के सामने स्थापित की हुई है। वहाँ पुराने कपड़े उपलब्ध हैं, जिनको आवश्यकता है वहाँ वो कपड़े ले सकते हैं, और जो अपने सामानों को इस्तेमाल कर पुराने कपड़ों को इस्तेमाल कर बोर हो चुके हैं, वो दान करने के इच्छुक हैं, तो वहाँ आके वो रख सकते हैं। ना लेने वाले की पहचान उजागर की जाएगी, ना देने वाले की पहचान उजागर की, ताकि जो लेने जा रहा है उसको कुछ हाँ वो तो है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं।